यहाँ पे सिर्फ ये हो रहा है कि स्टाइल शीट लिंक हो रही है। स्टाइल शीट जो जाके अप्लाई होती है ना, वो तो क्लाइंट साइड पे जाके होती है, यानी जो भी हमने सिलेक्टर बना रखा है उसकी बेसिस पे एलिमेंट सिलेक्ट होता है और फिर एट्रीब्यूट्स अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे वेब पेज के ऊपर जो है वो एक लेबल है, डीबी सेकंड में मैंने लेबल बना रखा है। अब इस लेबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूं स्टाइल शीट के अंदर, तो कैसे करूंगा? प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेबल है, ये लेबल के हिसाब से एचटीएमएल में कोई कंट्रोल नहीं है। इनपुट टाइप लेबल नामी कोई चीज नहीं है। तो होता ये है कि जब ये पेज रन होगा, तो रन होने के बाद अगर मैं चेक करना चाहूं कि हुआ क्या, तो अंदाजा ये होगा कि भाई ये जो लेबल है ये स्पैन के टैग में कन्वर्ट हुआ है। तुम्हारी बात ठीक है। तो अब ये जो स्पैन का टैग है, अगर मुझे स्टाइल शीट में इस लेबल को एक्सेस करना है तो मुझे स्पैन करके एक्सेस करना होगा। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एचटीएमएल के अंदर जो सर्वर साइड कंट्रोल हमने बनाया है उसके हिसाब से जो एचटीएमएल कंट्रोल बना है वो एग्जैक्टली वही हो जैसे कि सर्वर साइड होता है। जैसे एएसपी टेक्सटवर्क्स इनपुट टाइप टेक्स्ट में होता है, अब लेबल स्पैन में कन्वर्ट होता है। इसी तरह बहुत सारे और भी ऐसे सर्वर साइड कंट्रोल हैं कि जब वो क्लाइंट में कन्वर्ट होते हैं तो या तो आपको पहले से पता हो, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा हो, अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएंगे आपके वो किस टाइप के क्लाइंट साइड कंट्रोल में कन्वर्ट होता है। और ये प्रॉब्लम आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप कस्टम या यूजर कंट्रोल वगैरह पे काम करते होते हैं, या जब आपके कंट्रोल में डेटाबेस से डेटा आ रहा है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपके आपकी ईमेल्स आप किसी ग्रिड पे दिखा रहे हैं तो ग्रिड टेबल में कन्वर्ट होती है। अब अगर दो ईमेल हैं तो दो रोज होंगी, दस ईमेल हैं तो दस रोज होंगी, सौ ईमेल हैं तो सौ रोज होंगी। यानी रन टाइम पे कोड जब जनरेट हो रहा होता है तो वो कौन सा टैग बनता है, कौन सी उसका हिसाब किताब होता है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ औक़ात हम ये कर नहीं पा रहे होते कि कंट्रोल्स को उसकी क्लाइंट साइड आईडी या क्लाइंट साइड टैग नेम या क्लाइंट साइड क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकें, क्योंकि वो रन टाइम पे चीज़ें जनरेट होती हैं। तो बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि एलिमेंट्स को उनकी सर्वर साइड टैग नेम से हम एक्सेस करें। तो अगर एलिमेंट्स को आप उनकी सर्वर साइड टैग नेम से एक्सेस करना चाहेंगे तो सीएसएस में ये नहीं हो सकता। उसके लिए फिर आप एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको कहा जाता है स्किन फाइल। स्किन फाइल जो है वो आप थीम के फोल्डर में ऐड करवा सकते हैं, ये रही स्किन फाइल। स्किन फाइल जो है इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप किसी कंट्रोल को उसकी सर्वर साइड टैग की मदद से एक्सेस करके उसमें कोई चेंजेस करें। जैसे मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि ये जो ASP लेबल है ना, इसकी स्किन डिफाइन कर देता हूँ। कैसे डिफाइन करूँगा? मैं ऐसे करके डिफाइन करूँगा और उसमें से आईडी हटा दूँ, टेक्स्ट भी चाहूँ तो हटा दूँ, टेक्स्ट का इशू नहीं। बस यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया बैक कलर, जनाब हम डिफाइन कर देते हैं ब्राउन, और फॉर कलर डिफाइन कर देते हैं हम येलो। ये एक स्किन है। स्किन से मराद जैसे कि वो सांप अपनी स्किन बदलता है, तो वो अगर आप कोई सांप चलता हुआ जा रहा है अपनी पूरी स्किन छोड़ के चले जाए तो वो स्किन किस काम की? स्किन का काम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्या है, आपको बचपन में किसी ने कहा है कि तुम्हारी खाल उतरवा दूंगा? कहा है किसी ने? धमकी दी? टीचर ने बोला? अच्छा
बड़ी हिम्मत थी पुराने आपके जमाने में टीचर की, अब तो कोई बोल के दिखाया जरा, बच्चा नहीं उतार देगा उसकी खाल। असल में आज के बच्चों को ना कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है, तो पेरेंट्स जो है ना बुरा मानते हैं उनके बच्चों को कोई कुछ कह दे तो, क्या ख्याल है? पहले इतने कॉन्फिडेंस की जरूरत होती नहीं थी, पहले तो पेरेंट्स बोलते थे कि क्या बोलते थे, हड्डी हाँ इसी तरह कुछ बोलते थे, हड्डी और गोश्त और खाल वाल की बात होती थी, है ना? तो पहले बच्चे लोग बहुत पिटते थे, अब तो मेरे ख्याल है बच्चों में कॉन्फिडेंस और शख्सियत उनकी बनानी होती है, किसी को बिल गेट्स बनाना होता है, किसी को जो है वो उसामा बिन लादेन बनाना होता है, तो शख्सियत की बहुत ज़रूरत होती है। चलें, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है गया, अब यहाँ पे जो है वो सूरत हाल ये है कि यहाँ हमने क्या बना दिया जनाब, लेवल वाला। अब ये जो लेवल हम बनाई है, हमने क्या बनाई है, स्किन बनाई है। ये स्किन अप्लाई हो जाएगी हर उस लेवल पे जिसमें ये थीम अप्लाई हो। अच्छा, एक स्किन हम सेकंड थीम में भी बना देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, यहाँ पे हम ब्लू और व्हाइट कर देते हैं। नतीजा ये होगा जनाब कि जब ये पेज रन होगा तो फर्स्ट थीम है तो इसमें पहली स्किन अप्लाई होगी, सेकंड थीम है तो इसमें सेकंड स्किन अप्लाई होगी। अच्छा, अब इस पेज पे जितने भी लेबल होंगे उनका खुद ब खुद ही स्किन अप्लाई होती रहेगी। सपोज मेरे पास यहाँ पर 3-4 लेबल हैं, तो आप देखेंगे कि तमाम लेबल्स के ऊपर ये स्किन अप्लाई होगी। समझ में आ रही बात? अब मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना वो लेबल यहाँ पे 4 है, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ 4 लेबल और डिफाइन कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन 4 पे तो कोई और स्किन अप्लाई हो और इनके ऊपर कोई और स्किन अप्लाई हो, ठीक है। अब क्या करूं भाई, क्योंकि ये तो सबके ऊपर अभी फिलहाल क्या हो रहा होगा कि एक ही स्किन अप्लाई हो रही होगी। तो अब जब इस किस्म का काम हमें करना है तो फिर हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें, करना ये पड़ेगा कि ये जो स्किन है इसको एक स्किन आईडी असाइन करनी पड़ेगी। इसको हम कह देंगे बी, और इसी के नीचे जो है वो एक स्किन और डिफाइन कर दें हम, जिसकी स्किन आईडी आप कहते हैं ए। इसमें जो है वो आप कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट कर लें, यहाँ पे आप कर लें येलो और ब्राउन। अच्छा, अब कौन से लेवल पे कौन सी स्किन अप्लाई होगी, तो जिसके अंदर स्किन आईडी होगी ए उस पे ए अप्लाई होगी, और जिसके अंदर लिखी होगी बी उस पे बी अप्लाई हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप जब यहां पे आके देखेंगे तो अंदाजा ये होगा कि ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अब जो है वो यहाँ पे आके देखा तो अब यहाँ तो कोई स्किन अप्लाई हो ही नहीं रही है, इसलिए ये नहीं हो रही क्योंकि यहाँ कोड में तो ए और बी लिखा हुआ है लेकिन जो सेकंड स्किन है उसके अंदर ए बी वाली कोई चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे भी आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, स्किन आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी ए और बी करके। समझ में आ रही मेरी बात? ये कहलाती है स्किन फाइल, इसमें आप फिर यहाँ पर व्हाइट और ब्लू कर देंगे।
ये फर्स्ट थीम आ गई और ये सेकंड थीम आ गई, ठीक है सही। अच्छा अब ये स्किन के अंदर जो है आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि किसी भी कंट्रोल के ऊपर जाके आप ऐसे लिखें इनेबल थीमिंग इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट पे थीम अप्लाई नहीं करनी, हो सकता है इसको आपको अलग से कुछ काम करना चाह रहा हूं, तो अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे थीम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पे जाके लिखते हैं इनेबल थीमिंग इक्वल्स टू फॉल्स, अब इस पूरे पेज पे थीम अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 पेज हैं, उसमें से एक पेज ऐसा है जिसको आप चाह रहे हैं कि उस पर थीम अप्लाई ना हो, तो उस पेज के ऊपर जाके आप लिखते हैं इनेबल थीमिंग इक्वल्स टू फॉल्स, अब पूरे पेज पे थीम अप्लाई नहीं होगी जनाब, हो गई है तो बेइज्जती करा दी। हाँ इसमें एक चीज ये समझ लें कि इनेबल थीमिंग से मुराद वो काम होंगे जो सर्वर साइड पे हो रहा है, यानी कि ये स्किन के काम। ये तो स्टाइल शीट है ना, स्टाइल शीट तो लिंक हुई है, वो तो होगी, लेवल पे अप्लाई नहीं होगा कुछ, क्योंकि स्टाइल शीट जो अप्लाई हो रही है वो तो क्लाइंट साइड पे हो रही है, तो वो जो स्किन फाइल है आपकी वो वर्क नहीं करेंगे, पूरे पेज पे नहीं करेंगे, ना फर्स्ट में ना सेकंड में, ठीक है। अच्छा अब ये जो थीम है ये इस पेज की है, इसमें एक चीज और ये समझ लें कि जब मैं इसको रन करूंगा, रन करने के बाद मिसाल के तौर पे मैंने सेकंड सिलेक्ट कर ली और अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये भी तो सेकंड दिखाएगा क्योंकि ड्रॉप डाउन अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा, लेकिन जब मैं इसको दोबारा से रन करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट आ जाएगी। तो अब मिसाल के तौर पे कोई यूजर लॉगिन हुआ, उसने अपनी कोई थीम सेलेक्ट करी, थीम सेलेक्ट करने के बाद वो लॉग आउट हुआ, जब लॉगिन करके वापस आएगा तो वही पुरानी वाली थीम आ जाएगी, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक आप जो यूजर की सिलेक्टेड थीम है उसको डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, और होगा ये कि वो डेटाबेस में स्टोर होगी और फिर जब वो नेक्स्ट टाइम यूजर लॉगिन होगा तो उसकी जो थीम होगी वो फिर अप्लाई होगी, समझ में आ रही, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये कि जो थीम आपने अप्लाई की है ना करीबी पेज लेवल पर है, किस लेवल पे करिए, पेज लेवल पे करिए जनाब, पेज लेवल का मराद हमने लिखी है पेज डॉट थीम। सपोज मेरे पास एक पेज और है, एक मैंने वेब फॉर्म मजीद बना रखा है और इस वेब फॉर्म के अंदर भी कुछ डिव्स मौजूद है, अब एक मेरे पास है डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स और एक मेरे पास है डिफॉल्ट टू डॉट एसपीएक्स। डिफॉल्ट टू का आप आउटपुट देख रहे हैं और इसका रीजन ये है कि इसके साथ कोई थीम नहीं है, ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। अच्छा डिफॉल्ट में हम आते हैं तो इसमें एटलीस्ट थीम तो है, तो वो थीम इस पे अप्लाई हो जाएगी। अच्छा हम क्या करते हैं कि डिफॉल्ट टू पे भी कोई थीम लगा देते हैं, ये चले दोनों पे नहीं लगाते, ना डिफॉल्ट पे लगाते हैं ना डिफॉल्ट टू पे लगाते हैं, बल्कि हम करते ये हैं कि यहां से जाएंगे हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में, ये एक्सएमएल फाइल होती है और XML की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कुछ सीखने को है ही नहीं, क्योंकि इसका कुछ है ही नहीं, इसमें आप जो दिल चाहे बना सकते हैं, ठीक है ना, ये
यार बड़ी देर से एक सवाल पूछने का दिल कर रहा है, मैं काफी देर से रोक रहा हूँ अपने आप को लेकिन रोक नहीं पा रहा। यार नाखूनों का टेस्ट कैसा होता है? हाँ नाखूनों का टेस्ट कैसा होता है? खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ये कोई टेस्ट ही नहीं होता इनका? डिपेंड करता है क्या खाया आपने। अच्छा मतलब आपने अगर आइसक्रीम खाई है तो आइसक्रीम का टेस्ट आएगा नाखूनों में से, यानी डबल मजा। निहारी खा के बंदा फिर नाखून खाए तो निहारी का मजा आएगा है? कैसा टेस्ट होता है इनका नाखून, कैसे होते हैं, मजे के होते हैं, कैसे होते हैं, टेस्ट कर लूं? खाना हजम करने के लिए खाते हैं? नाखून खाने से आपके बिस्किट हजम हो जाते हैं? अच्छा नहीं मतलब इन जनरल सबके हो जाते हैं। मैं तो टेस्ट पूछना चाह रहा हूँ, क्या टेस्ट होता है इनका? अक्सर लोग मुझे खाते हुए नजर आ रहे होते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भाई कैसे होते हैं भाई? तो मैं क्या कह रहा था यार, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद ही इंजॉय कर रहा हूँ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। यानी तुम मान रहे हो कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर बैठा हुआ, तुम्हें लगता है कि मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहा हूँ है? डेफिनेटली इंजॉय कर रहा हूँ, क्या बात है, सही ठीक है। असल में चलो कभी डिटेल्स आना पर बताऊंगा मैं जरा। जब मैं थोड़ा सा पहली क्लास ली थी ना मैंने शुरू शुरू की, तो उस वक्त मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि अपने आप को बहुत ज्यादा उम्र रसीदा और एक्सपीरियंस वाला शो करूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब बोल रहे हैं यार कौन बच्चा पढ़ाने खड़ा हो गया। तो उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एकदम से कोई 15-20 साल मेरी उम्र बढ़ जाए, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा वैसा ही हो जाऊँ। बताने का मकसद ये है कि जो जहाँ होता है उसको अंदाजा होता है कि वो किस जगह फंसा हुआ है। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, नहीं समझ आई ना तो गौर नहीं करो ना, इधर देख लो ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं भाई, मैं कह रहा था कि XML जो है उसमें कुछ पढ़ने का नहीं होता। XML में आप अपनी मर्जी के टैग्स बनाते हैं, जो दिल चाहे बना ले, ठीक है। तो इसमें कोई समझने वाली कोई टैग्स वगैरह कोई ऐसा कोई ग्रामर वगैरह नहीं है, बस ऊपर एक लाइन ही होती है, इसको बोलते हैं XML फाइल। web.config फाइल जो है इसकी अच्छी चीज ये होती है कि ये XML में है तो ये कंपाइल नहीं होती है, C# नहीं है, तो इसमें आप रन टाइम में भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर ये जो system.web का टैग यहाँ लगा हुआ है, इसके अंदर जाके मैं ऐसे लिख दूं पेजेस और उसमें लिख दूं जनाब मैं थीम इक्वल्स टू फर्स्ट थीम, तो इसका मतलब यह है कि इस पूरी वेबसाइट की थीम जो है वो फर्स्ट थीम हो गई है। समझ में आ रही मेरी बात? अब अगर इस वेबसाइट में 50 पेजेस हैं तो 50 के 50 पेजेस की थीम क्या हो गई है? फर्स्ट थीम हो गई। तो आप देखें डिफॉल्ट और एसपीएक्स में मैंने थीम कोई नहीं लिखी, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो ये फर्स्ट थीम इसमें होगी। इसी तरह डिफॉल्ट 2 में भी अगर मैं चला जाऊं तो उसमें भी फर्स्ट थीम जो है वो डिफॉल्ट थीम हो जाएगी, ठीक है। सही है। अच्छा अब अगर मैं web.config में जाके चेंज कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं सेकंड थीम और यहां से आके रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे कि बगैर रिस्टार्ट किए बगैर इस पे अप्लाई हो गई। क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, तो डिप्लॉय करने के लिए हमें वेबसाइट को पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिश करने से मुराद ये कि सर्वर साइड कोड कंपाइल होता है।
अच्छा, अब होता ये है कि जब आप कुछ चेंजेस करते हैं अपने पास और वो चाह रहे होते हैं कि लाइव वेबसाइट पे भी चेंज हो जाए, तो पहले आपको अपने पास जो चेंजेस हैं उनको कंपाइल करना पड़ता है, फिर दोबारा से आप डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो एक छोटा सा भी चेंज करेंगे ना अगर आप सी शार्प कोड में, तो पूरी वेबसाइट दोबारा से आपको कंपाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि कोड एक दो पेज कंपाइल नहीं होता, पूरा का पूरा कोड एक साथ कंपाइल होता। लेकिन अगर वेब डॉट कॉन्फिग में आपने कोई चेंज किया है तो पूरी वेबसाइट दोबारा से डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेब डॉट कॉन्फिग को रिप्लेस करते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जितनी भी ऐसी चीजें होती है ना जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकती हैं, वहां वेब डॉट कॉन्फिग में रखकर कोड से उसको एक्सेस करते हैं। मिसाल के तौर पे कनेक्शन स्ट्रिंग डेटाबेस की, या और भी बहुत सारी चीजें आगे जाके हम देखेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस वेब डॉट कॉन्फिग फाइल का, कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड तमाम चीजें इसमें होती हैं। सही है। और ये इसमें रखने का मकसद ही होता है कि इसमें अगर हम कोई चेंज करें तो वेबसाइट को दोबारा से कंपाइल ना करना पड़े, और वेबसाइट को दोबारा से उसमें जो है ना डिप्लॉयमेंट ना करना पड़े। डिप्लॉयमेंट एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा स्टेप होता है, और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब तक डिप्लॉयमेंट हो रही होती है वेबसाइट रुक जाती है, चल नहीं रही होती। तो उसमें ज़रा सोच समझ के काम करना। तो ये था थोड़ी बातें हमने अंडरस्टैंड की अबाउट थीम। इसमें ये समझ लें कि ये जो थीम का काम हमने किया है ना, ये ड्रॉप डाउन जो है ना वो हर पेज पे नहीं होता। आपने ये ऑप्शन देखा है वेबसाइट्स में, नजर आया होगा कि नहीं तौर पर आपको?